हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ चंदन कुमार सिंह। ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का 7th पार्ट है। लास्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 तक डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 85, द वैक्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज मेंटेन इन द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग मशीन। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग मशीन में वैक्यूम का क्या होता है? तो वैक्यूम होता है 10^-4, लेकिन जो हाई वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो इसलिए 10^-5 को ही मार सकते हैं। यहाँ पर -4 तो है नहीं। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन बीम मशीन होता क्या है। ये इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग है, ये आपको वर्क पीस है। ये यहाँ पर जो है ये कैथोड, ये जो है एनोड। कैथोड और एनोड हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्स हम अप्लाई करते हैं 30 से 175 किलो वोल्ट तक। हाई पोटेंशियल डिफरेंस 30 से 135 तक इसमें अप्लाई करते हैं किलो वोल्ट। 30 से 175 किलो वोल्ट हम अप्लाई करते हैं। हाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करेंगे तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके नीचे की तरफ जाएगा एनोड की तरफ, चूंकि यहाँ पर एनोड का अरेंजमेंट है। कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, एनोड से की तरफ जाएगा, लेकिन वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से जाएगा। वेलोसिटी जो होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 50,000 से लेकर 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके आगे उसके आगे क्या होता है, फोक्सिंग कॉइल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा होता है यहाँ पर, जिसको फोक्सिंग कॉइल कहते हैं। ये फोक्सिंग कॉइल है, ये फोकस करता है उसको जिस पॉइंट पर हमको वेल्डिंग करना है वहाँ पे। यहाँ पर इस चैम्बर में हम हाई वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं। वैक्यूम होता है 10^-4 टॉर। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी। 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी ये याद रखिएगा। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एच जी। 10^-4 या 10^-5 इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हाई वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाता है और वो जहाँ पर हमको वेल्डिंग करना है वहाँ पर कोई फिलर मटेरियल अगर हम डाल दिए, यहाँ फिलर मटेरियल हम डाल देते हैं तो वहाँ पर वेल्डिंग हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो भी यहाँ पर कन्वर्सन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड टू द थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड टू द थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी था उसको यूज़ किए हैं थर्मल एनर्जी के फॉर्म में हम लोग। यहाँ पर अगर इसका बेसिक डिफिनेशन हम देखें तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग मशीन इज डिफाइंड एज फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। ये फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है वेयर इन कोलिजन्स इज प्रोड्यूस बाई हीट ऑब्टेंड फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड बीम। हीट ऑब्टेंड फ्रॉम द कंसनट्रेटेड बीम कंपोज प्राइमरी ऑफ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्सन होकर थर्मल एनर्जी में। एज द हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द सर्फेस टू बी ज्वाइंट देयर काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज होता है एंड एनर्जी देयर बाई कॉजिंग द वर्क पीस मेटल टू मेल्ट एंड फ्यूज। वर्क पीस मेटल जो है मेल्ट होता है और फ्यूज हो जाता है। अगर फिलर मेटल यूज़ करना चाहें तो कर भी सकते हैं और नहीं करना चाहें तो नहीं भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेनली कहानी कुछ ज़्यादा है नहीं, एक वैक्यूम चैम्बर है। वैक्यूम चैम्बर में जो वैक्यूम मेंटेन रहता है वो वैक्यूम कितना मेंटेन रहता है वो आप याद रखिए। द चैम्बर इज पंप डाउन टू ए रिक्वायर्ड वैक्यूम फॉर हाई वैक्यूम इलेक्ट्रॉन बीम। द प्रेशर ऑफ 10^-4 टॉर और लेस इज प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल पिस्टन पंप अरेंजमेंट। पिस्टन पंप अरेंजमेंट से हाई वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं 10^-4 टॉर के अप्रोक्स, और इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने लायक नहीं है। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग वर्क कैसे करता है, वेलोसिटी क्या रहता है इलेक्ट्रॉन का, कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, हम लोग वापस अगर लौटें क्वेश्चन में तो 10^-5 टॉर। नेक्स्ट है, टू फास्ट वेल्डिंग स्पीड इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट। अगर हम फास्ट वेल्डिंग करते हैं तो क्या होगा, तो ये कॉमन सेंस बताएगा कि फास्ट वेल्डिंग करने से क्या होगा। और अगर हम स्लो वेल्डिंग करते हैं तो क्या होगा, स्लो वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग कर रहे हैं तो ओवरलैप होते चला जा रहा है, तो ओवरलैपिंग का जो सिचुएशन है ओवरलैप विदाउट पेनिट्रेशन ऑफ एजेस, ये जो है ये स्लो वेल्डिंग के केस में होता है।
इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेसिव पाइलिंग अप ऑफ वेल्ड मेटल, पुअर पेनिट्रेशन। पुअर पेनिट्रेशन आपको कब कब देखने को मिलेगा, जब करंट आपका कम होगा तो पुअर पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा, करंट आपका ज़्यादा होगा तो स्पैटरिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, अंडर कटिंग वगैरह देखना पड़ेगा, स्पीड ज़्यादा रहेगा तो अंडर कटिंग वगैरह देखने को मिलेगा हमको। तो ये तो दो होगा वोल्टेज से रिलेटेड। अब रहा बात कि यहाँ पर स्पीड से रिलेटेड, स्पीड अगर कम कर दें तो ओवरलैपिंग का सिचुएशन देखने को मिलता है, विदाउट पेनिट्रेशन ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। टू स्मॉल बीड साइज, अगर फास्ट करेंगे तो बीड साइज जो होगा मेरा वो बहुत ही स्मॉल होगा, वीक वेल्ड होगा एंड वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड का वेस्टेज होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम। अभी तो हम लोग पढ़े थे ऑक्सीएसिटिलीन, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम जो होता है, टेम्परेचर प्रोड्यूस बाय ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम वो कितना होता है 3200 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स रहता है ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम का। तो ऑक्सीहाइड्रोजन का कितना रहता है, तो ऑक्सीहाइड्रोजन का रहता है 2800 डिग्री सेल्सियस। तो ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम का टेम्परेचर जो रहता है वो कम रहता है, ये भी ध्यान रखना है, 2800 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इनडिपेंडेंट मोड ऑफ कंबसन बट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम वेरीज, द मैक्सिमम टेम्परेचर इज अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस या 5100 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, लेस होता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग के केस में अमाउंट ऑफ करंट नेसेसरी फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग, हम पहले भी देख चुके हैं, जब रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ा रहे थे तो वहाँ 5 kV/cm² ये इसका करंट का जरूरत पड़ता था, इतना इतना परसेंट में करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी जो है वो इतना जरूरत पड़ता था, 5 kVA/cm². नेक्स्ट है द क्वांटम ऑफ हीट, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज क्वांटम, पैकेट ऑफ फोटोन इज नोन एज क्वांटम, फोटोन, फोटोन यानी कि हीट एनर्जी की बात कर रहा है, हीट एनर्जी फोटोन यानी लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हीट एनर्जी कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब यहाँ पर है हीट एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी कितना होता है I²R(T), आई मतलब क्या, करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा, टाइम ज़्यादा देर लगेगा तो भी हीट बढ़ेगा। तो तीन तरह का केस, तीन पे डिपेंड करता है, उन तीनों में बोल रहा है कि सिर्फ करंट पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, करंट के साथ साथ और भी बात पर डिपेंड, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग करंट पाथ एलोन, रेजिस्टेंस पर खाली डिपेंड नहीं करता, टाइम पर डिपेंड भी नहीं करता है, एलोन लिख दे रहा है ना एरिया ऑफ वेल्डिंग, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग क्या होता है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक प्लेट होता है, दो बड़ा वाला प्लेट को हमको वेल्डिंग करना है, इलेक्ट्रोड आपका इससे फिर यहाँ पर कुछ कुछ फ्लक्स पहले स्प्रिंकल कर देते हैं, इलेक्ट्रोड निगेटिव और वर्कपीस पॉजिटिव, DCEN कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट करने के बाद ये जो बॉटम प्लेट है, बॉटम प्लेट के साथ जब इलेक्ट्रोड टकराएगा तो यहाँ पर आर्क डेवलप होगा, आर्क डेवलप करेगा तो ये आर्क से ये फ्लक्स पिघलेगा, और फ्लक्स पिघल करके जो भी यहाँ पर इम्प्योरिटी रहेगा इन द ऑक्साइड फॉर्म में उसके साथ ये रिएक्ट करके स्लैग बनाएगा। तो ये ऊपर में स्लैग है, और उसके बाद जो ये जो मेटल है मेरा, पेरेंट मेटल है, वो भी पिघलेगा और आपका इलेक्ट्रोड भी पिघलते चला जाएगा। तो यहाँ जो मोल्टन पूल बनेगा, धीरे 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 यहाँ पर एक सू लगा हुआ होता है, वो सू धीरे धीरे ऊपर के डायरेक्शन में जाता है आपका, और तो ऊपर में आपका जो देखने को मिलेगा वो स्लैग देखने को मिलेगा, फिर आपको मोल्टन मेटल देखने को मिलेगा, फिर आपको सॉलिडिफाइड मेटल देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग ए हॉट मोल्टन पूल बिटवीन द प्लेट्स। नेक्स्ट है मिग वेल्डिंग में मेटल ट्रांसफर इज इन द फॉर्म, तो मिग वेल्डिंग जब हम बताए थे तो उसमें मेटल जो ट्रांसफर होता है वो आपका आइदर ग्लोबुलर फॉर्म में होता है या स्प्रे फॉर्म में होता है। तो ग्लोबुलर फॉर्म में तो यहाँ है नहीं, तो स्प्रे फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपका होगा। नेक्स्ट है टू स्लो वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग स्पीड अगर बहुत स्लो है, वेल्डिंग स्पीड बहुत स्लो है तो ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग देखने को आपको मिलेगा। तो एक्सेसिव पाइलिंग अप ऑफ वेल्ड मेटल एंड ओवरलैपिंग विदाउट पेनिट्रेशन ऑफ एजेस एंड वेस्टेड इलेक्ट्रोड।
नेक्स्ट है कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग होता क्या है? तो कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में देख लीजिए। और वैसे भी हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि वो थर्माइट वेल्डिंग के लिए होता है। कार्बन आर्क वेल्डिंग इज द अर्लीस्ट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। इन द आर्क वेल्डिंग ऑफ आइदर कार्बन और ग्रेफाइट, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का होता है या फिर ग्रेफाइट का होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड सॉफ्ट, कार्बन इलेक्ट्रोड जो होता है ग्रेफाइट के कंपेरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होता है। एंड देयर फोर कैन नॉट बी टेक अप वेरी हाई करेंट डेंसिटी। अगर सॉफ्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा करंट डेंसिटी नहीं ले सकता है। द आर्क विद द कार्बन इलेक्ट्रोड इज मोर कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल आर्क जो है उसको कंट्रोल ज़्यादा बढ़िया से कर सकते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तब। लोअर करंट ऑल्सो एड टू द हायर इलेक्ट्रोड लाइफ, अगर लोअर करंट हम देंगे तो इलेक्ट्रोड लाइफ आपका ज़्यादा रहेगा। करंट ऑल्सो एड दो द कार्बन और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू मेल्ट और डज द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ये मेल्ट नहीं करता है, डज नॉट मेल्ट। कार्बन और इलेक्ट्रोड, कार्बन का इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड कोई भी इलेक्ट्रोड हो तो वो मेल्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स वो नॉन कंज्यूमेबल होगा। अगर ये नॉन कंज्यूमेबल होगा तो हमको अलग से एक फिलर मेटेरियल की जरूरत पड़ेगा, अलग से हमको एक फिलर मेटेरियल का जरूरत पड़ेगा। और अगर करेंट ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रोड आर स्लोली कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रोड स्लोली कंज्यूम होता है लेकिन बहुत कम कंज्यूम होता है। द लाइफ ऑफ द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज हायर दैन द कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड कंपेरिजन में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का लाइफ ज़्यादा होता है। इन कार्बन आर्क वेल्डिंग इट रिक्वायर्स फिलर मेटल टू सप्लाई थ्रू द सेपरेट फिलर रॉड, ये सेपरेट फिलर रॉड के थ्रू हम सप्लाई करते हैं। अब जो बात रहा, द आर्क कैन बी ऑब्टेन बिटवीन द कार्बन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस, आर्क जो है वो कार्बन इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच डेवलप होता है, या बिटवीन द टू कार्बन इलेक्ट्रोड, दो कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच आर्क डेवलप होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर केस में हम दो कार्बन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, इस तरह का दो कार्बन का इलेक्ट्रोड रहता है, ये कार्बन इलेक्ट्रोड, ये कार्बन इलेक्ट्रोड, दो कार्बन के इलेक्ट्रोड। अगर मान लीजिए मोटा प्लेट का, मोटा प्लेट हमको ज्वाइन करना है, मोटा प्लेट है तो दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड को इस तरह से अरेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, आर्क लेंथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों को एडजस्ट करेंगे तो दोनों के बीच का आर्क लेंथ, जो आर्क का लेंथ होगा वो ज़्यादा और कम हम इससे कर सकते हैं। अगर पतला वो करना है तो सिंगल इलेक्ट्रोड से भी काम चल जाएगा मेरा। जनरली इसमें डी सी ई एन यूज़ करते हैं, जनरली जो इसमें यूज़ करते हैं वो डी सी ई एन यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी ए सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रोड अगर यूज़ करना है, एक यूज़ करना है तो डी सी ई एन से काम हो जाएगा, लेकिन अगर डबल यूज़ करना है, ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड यूज़ करना है तो उसके इसमें ए सी पावर सोल्स चाहिए। इसमें बेटर कंट्रोल ऑफ हीट इनपुट, हीट इनपुट का बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, क्योंकि दो 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 आपका इलेक्ट्रोड है तो ज़्यादा हीट चाहिए थिकर प्लेट के लिए। तो इट इज पॉसिबल टू वेल्ड थिकर प्लेट और थिनर प्लेट यूजिंग ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड, दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड से हम लोग इसमें अगर पतला करना हो तो, पतला करना हो तो सिंगल इलेक्ट्रोड से काम हो जाएगा, और मोटा मोटा प्लेट को करना हो अगर तो उसके लिए हम लोग डबल इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे आर्क लेंथ को कंट्रोल करने के लिए। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है आर्क ब्लो। अब आर्क ब्लो क्यों होता है? आर्क ब्लो होता है ड्यू टू जब नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो उसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड वो जो आपका वर्कपीस है, वर्कपीस का जो कॉर्नर होता है ना कॉर्नर, और वहाँ पर ज़्यादा चार्ज आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में वहाँ ज़्यादा चार्ज देखने को मिलेगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जनरली कॉर्नर में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, डेवलप होता है वर्कपीस के कॉर्नर में, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जब जो इलेक्ट्रोड है उससे जो करंट फ्लो करता है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंट्रैक्ट करेगा तो एक रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलेगा,
उस रिपल्सिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं आर्क ब्लो। उससे आर्क क्या होता है, ब्लो हो जाता है। आर्क ब्लो जनरली हमको स्टार्टिंग में और एंड में देखने को मिलता है। तो ये है कार्बन कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग में आपसे पूछ रहा है, इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलाते हैं क्या? नहीं। अकम्प्लिस द मेंटेनिंग हॉट मोल्टन पूल लेते हैं क्या? हॉट मोल्टन पूल्स वो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द आर्क इज मेंटेन अंडर द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स, ये किसका है? ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स आपका मिलता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, आर्क जो है सबमर्ज रहता है। यूज ए वेल्डिंग कार्बन रॉड, यूज टू वेल्ड कार्बन रॉड, कार्बन रॉड को वेल्ड करने के लिए इसे यूज होता है क्या? नहीं, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, कार्बन रॉड को वेल्ड करने के लिए नहीं होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं इसमें। तो हम ये भी यूज नहीं कर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द, कोई भी ऊपर में नहीं है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस द पार्ट आर हीटेड टू ए वेल्डिंग टेम्परेचर एंड देन मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड। पहले हीट करते हैं फिर मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं। तो किस में हीट करते हैं फिर मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं? तो आप अगर टिग वेल्डिंग में देखिएगा, टंगस्टन इनर्ट गैस में, उसमें कहीं फोर्स नहीं लगाने की बात है। ये केमिकल ये केमिकल प्रोसेस है। ये एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो एनर्जी होता है वो बाइंड होता है और बाइंड होकर के हीलियम बनाता है। तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन जो भी हाई अमाउंट एनर्जी देता है, तो इसमें भी कहीं आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हम लोग देख चुके हैं, मॉडर्न वर्जन ऑफ टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग का मॉडर्न वर्जन है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग। फोर्स वेल्डिंग देखे थे पहले, उसमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता था। जो लोहार लोग का जो वेल्डिंग होता था उसको हम लोग फोर्स वेल्डिंग बोलते थे। लोहार लोग पहले क्या करता है, गर्म करता है, और गर्म करने के बाद हैमर के थ्रू उन दोनों को पीट करके और प्रेशर अप्लाई करके उन दोनों को ज्वाइन करता है। तो ये होगा फोर्स वेल्डिंग। नेक्स्ट है थर्माइट वेल्डिंग होता क्या है? तो थर्माइट वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ, इसमें हम लोग आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों को मिला करके एक मोल्ड में उसको हम ढालते हैं, मतलब ढाल ही सकते हैं ना। तो अगर हम लोग देखना चाहें तो ये रहा थर्माइट वेल्डिंग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। और इसमें हम लोग आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो भी है उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हमको जो हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है वो हाई टेम्परेचर देता है। और इसमें जो रेशियो होता है आयरन ऑक्साइड का 3 और एल्युमिनियम ऑक्साइड का 1, 3:1 का रेशियो होता है थर्माइट वेल्डिंग में। ये हम लोग पहले डिस्कस किए हैं इसको। तो थर्माइट वेल्डिंग में मिक्सचर जो होता है आयरन ऑक्साइड का और एल्युमिनियम ऑक्साइड का 3:1, आयरन 3 और एल्युमिनियम ऑक्साइड 1। आर्क वेल्डिंग यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सप्लाई। आर्क वेल्डिंग जो होता है कौन सा इलेक्ट्रिक सप्लाई लेता है? तो आर्क वेल्डिंग में आइदर हम एसी भी यूज करते हैं और डीसी भी यूज करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी दोनों यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में, एसी भी और डीसी भी। नेक्स्ट है इट इज रिक्वायर्ड टू परमानेंटली कनेक्ट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील एंगल टू द वर्टिकल प्लेट। टू द वर्टिकल प्लेट मतलब एक हॉरिजेंटल प्लेट है और इसको वर्टिकल प्लेट के साथ अगर हम ऐड करना है तो इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें हम फिलेट ज्वाइंट कर देंगे, फिलेट वेल्ड कर देंगे, क्योंकि हम प्लग वेल्ड तो कर नहीं सकते हैं, टैक वेल्ड तो कर नहीं सकते हैं। टैक वेल्ड होता क्या है? टैक वेल्ड टैकिंग होता है, टैक करते हैं उसको, इसको कहते हैं हम टैक वेल्ड। वेल्डिंग करने से पहले हम यहाँ पर कुछ टाका लगा देते हैं ताकि जो इसका अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट है, वो बिगड़ ना जाए। तो टैक वेल्ड इज ए सीरीज ऑफ शॉर्ट वेल्ड, ये सीरीज ऑफ शॉर्ट वेल्ड होता है और स्पॉट होता है बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल पीसेस। दो मेटल पीस, यहाँ पर कॉर्नर ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, या दो मेटल पीस के बीच जो ये एंगल बन रहा है, वो एंगल वेल्डिंग करते समय गबड़ा नहीं जाए, इसके लिए हम लोग ये टैक वेल्ड करते हैं। बिटवीन द एडजेसेंट मेटल पीसेस
You will quickly find yourself using a tack weld often. Tacking is must to get a reliable final weld. बढ़िया फाइनल वेल्ड मिलने के लिए हमको टैकिंग करना बहुत ही जरूरी होता है. टैक होल्ड द मेटल पीसेस सिक्योरली फॉर फाइनल वेल्डिंग. टैक जो होता है होल्ड द मेटल पीसेस सिक्योरली फॉर फाइनल वेल्डिंग. एंड ऑल्सो प्री हीट मेटल फॉर स्मूथर. प्री हीट जब यहाँ पर हम मान ली वेल्डिंग किए तो यहाँ पर गर्म भी हो गया तो प्री हीट भी हो जाता है, इससे मेरा जो वेल्डिंग होता है वो थोड़ा स्मूथर होता है और मोर एक्यूरेट होता है फाइनल वेल्ड. तो ये है आपका टैक वेल्ड. नेक्स्ट है आपका लैप जॉइंट. तो हम जानते हैं लैप जॉइंट, दिस इज द लैप जॉइंट. इस तरह का जॉइंट करें, यहाँ पर कुछ फिलर मेटर डाल दें और यहाँ पर फिलर मेटर डाल दें तो इसको हम लोग बोलते हैं लैप जॉइंट. बट जॉइंट भी हम लोग जानते हैं, ये सारा जो है बट जॉइंट है, मतलब एक पीस और दूसरा पीस यहाँ रख के यहाँ फिलर मेटर डालें हम तो इसको हम लोग बोलते हैं बट जॉइंट. प्लग जॉइंट भी हम लोग जानते हैं, एक मीटर को दूसरे मेटल पीसेज करना है, प्लग के फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में करना है तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोड, ये रहा आपका इलेक्ट्रोड और ये टॉप सरफेस ये बॉटम सरफेस दोनों ज्वाइन करना है तो यहाँ पर हम लोग फिलर मेटल डाल देते हैं तो जो फाइनल ज्वाइंट बनता है मेरा वो ऐसा बनता है. दिस इज द प्लग बिल्डिंग. तो यहाँ पर जो कॉर्नर को ज्वाइंट करना है, कॉर्नर को ज्वाइंट करना है तो फिलेट वेल्ड यूज करते हैं. नेक्स्ट है द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज जनरली डिफिकल्ट. स्टेनलेस स्टील जो है वो डिफिकल्ट क्यों होता है उसका वेल्डिंग करना, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है अपने सरफेस के ऊपर एक क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर बनाता है. वो ऑक्साइड कौन सा, क्रोमियम लेयर का ऑक्साइड बनाता है जिसके वजह से क्रोमियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है. क्रोमियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, वो पिघलेगा ही नहीं तो वेल्डिंग बढ़िया से होगा कहाँ से. तो सबसे पहले पिघलना है क्रोमियम ऑक्साइड को जो उसके ऊपर बना, उसके बाद पिघलना है आपको स्टेनलेस स्टील को. तो पहले ये पिघला ही नहीं क्रोमियम ऑक्साइड, तो क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम ऑक्साइड का इन द कंपैरिजन ऑफ स्टेनलेस स्टील ज़्यादा होता है तो ये पहले पिघलेगा उसके बाद ना वेल्डिंग होगा, इसलिए ये डिफिकल्ट होता है. तो क्यों डिफिकल्ट होता है, तो ड्यू टू ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म के फॉर्मेशन की वजह से. यहाँ पर हम देख भी सकते हैं स्टेनलेस स्टील मोर डिफिकल्ट देन लो एलॉय स्टील बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिव नेचर ऑफ द क्रोमियम ऑक्साइड जो बन जाता है, विच हैव हायर मेल्टिंग टेम्परेचर देन दैट ऑफ स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील के कंपेरिजन में इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है. दिस इज अपोजिट फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ लो एलॉय स्टील. लो एलॉय स्टील के कंपेरिजन में ही अपोजिट सिचुएशन है. फॉर विच द आयरन ऑक्साइड मेल्ट एट द लोअर टेम्परेचर देन डज द आयरन बेस मेटल. अब आयरन ऑक्साइड अगर दूसरा स्टेनलेस स्टील के अलावा कोई अगर लो एलॉय स्टील है, मान लीजिए कि लो एलॉय स्टील मान लीजिए माइल्ड स्टील आपके पास, तो माइल्ड स्टील में जो फॉर्मेशन बनेगा ऊपर ऑक्साइड जो रहेगा वो ऑक्साइड किसका रहता है बना हुआ, तो आयरन ऑक्साइड बना हुआ रहता है. आयरन ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट उस माइल्ड स्टील कंपेरिजन में कम होता है तो ये सबसे पहले पिघलेगा और उसके बाद ये पिघलेगा तो इसमें ज्वाइनिंग आसान हो जाता है. लेकिन इन केस ऑफ स्टेनलेस स्टील के केस में क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर बनता है तो क्रोमियम ऑक्साइड का जो लेयर बनता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम लोग वेल्ड करने में वो डिफिकल्ट होता है. नेक्स्ट है फिलर मटेरियल इन वेल्डिंग शुड हैव. वेल्डिंग में फिलर मटेरियल हम लोग क्यों चाहिए फिलर मटेरियल. तो वेल्डिंग में फिलर मटेरियल क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि फिलर मटेरियल जो है वो सेम कंपोजिशन का होना चाहिए जिस कंपोजिशन को हम लोग बेस करना है. बेस मेटल मतलब कि जो बेस मेटल है मेरा वो जिस कंपोजिशन का है वही कंपोजिशन का आपका फिलर मटेरियल भी होना चाहिए, दूसरा जितना मेल्टिंग पॉइंट आपका इसका है उतना ही मेल्टिंग पॉइंट आपका इसका भी होना चाहिए, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए तब जाके अच्छा जॉइंट होता है. तो फिलर मटेरियल ऐसा होना चाहिए, जनरली ऐसा होना चाहिए जिसमें कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज सेम एंड द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द पैरेंट मेटल टू बी वेल्डेड. मेल्टिंग पॉइंट और कंपोजिशन दोनों जब सेम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिलर मटेरियल. नेक्स्ट फिलर मटेरियल होना चाहिए ऐसा प्रॉपर्टी उसमें. नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन इन वेल्डिंग ऑकर. डिस्टॉर्शन कब आता है, तो बढ़िया से क्लैंप नहीं किया गया है तो डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है. मतलब एक चीज़ को वेल्डिंग करना है आपको दूसरे के साथ, मान लीजिए बट वेल्ड कर रहे हैं आप
और क्लैंप अच्छे से नहीं किए हैं दोनों को, दोनों को अलाइन नहीं किए हैं, एक लाइन में दोनों को नहीं किए हैं और वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो डिस्टॉर्शन जो जनरली जो होता है वो ज़्यादा डिस्टॉर्शन हमको देखने को मिलता है इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड, इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड रहता है तो उसके वजह से हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अभी अभी हम लोग देखे थे इस पर्टिकुलर केस में, अगर इसको हम क्लैंप कर दिए हैं, इसको इसको क्लैंप कर दिए हैं और क्लैंप अगर बढ़िया से नहीं हुआ है तो वेल्डिंग वेल्डिंग में थोड़ा डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए हम लोग टैक वेल्ड करते हैं यहाँ पर, ताकि जो इन दोनों का अलाइनमेंट है वो प्रॉपर बना हुआ रहे। नेक्स्ट इन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, इन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग फॉलोइंग इज द यूज फॉर वेल्डिंग मैग्नीशियम। अब इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग हम लोग बात किए थे, टिग वेल्डिंग में बात किए थे हम लोग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में बात किए थे कि इसमें इसमें अल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को हम लोग ईजिली वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाता है, मैग्नीशियम अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बनाएगा। अब इस लेयर को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इम्प्योरिटी मेरे इसके अंदर नहीं चला जाए। तो रिमूव करने के लिए हम लोग पहला तो एक DCEP यूज़ करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं और वर्क पीस को आपको निगेटिव कनेक्ट करते हैं, तो माइनस चार्ज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, निगेटिव चार्ज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और निगेटिव चार्ज जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बाहर की तरफ फेंकेगा। तो ये DCEP में यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि AC में यूज़ करते हैं, पहला बात तो ये। दूसरा बात ये कि इसमें हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, क्योंकि टंगस्टन टिग वेल्डिंग में ही मैग्नीशियम को आसानी से किया जा सकता है। टिग वेल्डिंग जब यूज़ करते हैं, टिग वेल्डिंग तो ही हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि DC, तो DC में कौन सा DC नहीं पता, तो DC तो खैर यूज़ कर सकते हैं DCEP में हम। दूसरा बात लिखा है हीलियम, तो हीलियम हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम को करने के लिए हम लोग को चाहिए ऑर्गन इसलिए चाहिए कि ऑर्गन जो है ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है आपका स्पटरिंग इफेक्ट में, जिस स्पटरिंग जो होता है तो उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है वो आपका ऑर्गन। हीलियम ज़्यादा हीट देता है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर ज़्यादा स्पटरिंग इफेक्ट, मतलब ज़्यादा एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहर निकलना चाहिए। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, और नॉन कंज्यूमेबल तो टिग में यूज़ करते ही हैं, तो टिग से ही मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम का वेल्डिंग कर सकते हैं। तो हम टिग वेल्डिंग जब हम पढ़ रहे थे, तो टिग वेल्डिंग में हम पढ़े थे क्या, ये है पट्टिक वेल्डिंग, इसमें जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, पहला बात। दूसरा बात कि यहाँ पर जो इनर्ट गैस यूज़ करते हैं वो हम लोग ऑर्गन या हीलियम दोनों यूज़ करते हैं, या ऑर्गन हीलियम का मिक्सचर यूज़ करते हैं। तीसरा फिलर मेटेरियल जो यूज़ करते हैं वही होना चाहिए जो बेस मेटल होना चाहिए। यहाँ पर पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई में भी AC और में भी DC कुछ भी हो सकता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि हम इसमें यूज़ क्या करते हैं। फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम AC इज यूज, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम दोनों के लिए AC यूज करते हैं, फ्रॉम Al2O3। Al2O3 को हटाने के लिए जो हम लोग को कैथोडिक क्लीनिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पटरिंग इफेक्ट, कैथोडिक क्लीनिंग, उसको रिमूव करने के लिए DCEP हमको चाहिए, DCEP चाहिए या AC यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर AC बारे में तो लिखा नहीं, और फिर एक लाइन हम और पढ़े थे, वो लाइन कहाँ गया, With AC to have a sputtering effect, organ has to be used for shielding gas. Organ use करते हैं shielding gas के लिए, और sputtering does not takes place with helium. Helium के साथ sputtering takes place नहीं होता है, sputtering वो phenomena होता है जिसमें हम लोग iron oxide को remove करते हैं, aluminium oxide को remove करते हैं, अच्छा iron oxide बोल दी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिमूव करते हैं या मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव करते हैं, तो उसको हम लोग स्पटरिंग बोलते हैं। तो स्पटरिंग नहीं होता है आपका हीलियम के साथ, आपका जो ऑप्शन में लिखा है कि इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग द फॉलोइंग यूज फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को वेल्ड करने के लिए हम लोग नॉन कंज्यूमेबल तो यूज करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल ही यूज करेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग ऑर्गन यूज करेंगे, हीलियम यूज नहीं करेंगे, लेकिन डीसी यूज कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है बाकी ऑप्शन के कंपेरिजन में ज्यादा करेक्ट है,
ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें कभी ऑर्गन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ऑर्गन रहेगा तो वो मारना है। नेक्स्ट है मेटालिक आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग। मेटालिक आर्क वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो मेटालिक आर्क वेल्डिंग में द ट्रांसफर ऑफ मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू ड्यू टू इलेक्ट्रोड से ट्रांसफर जो होता है मेटल आर्क वेल्डिंग के केस में, वो ट्रांसफर जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, दो तरह जनरली हम डिस्कस किए थे, एक है ग्लोबुलर ट्रांसफर और दूसरा है आपका स्प्रेड ट्रांसफर। ग्लोबुलर ट्रांसफर में हम डिस्कस किए थे कि ड्रॉपलेट डिटैच व्हेन देयर वेट एक्सीड द सरफेस टेंशन, वेट एक्सीड द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ द मोल्टन मेटल से अगर उसका वेट एक्सीड हो जाता है तो वेट बढ़ जाता है सरफेस टेंशन ऑफ मोल्टन मेटल से, तब वो डिटैच होता है इन द बिगर बिगर ड्रॉप के फॉर्म में, इसको हम लोग ग्लोबुलर ट्रांसफर भी बोले थे। ग्लोबुलर ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद डी सी ई पी व्हेन द करेंट इज रिलेटिवली लो रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ शील्डिंग गैस, देन द आर्क वोल्टेज इज हाई, करेंट हाई करेंट लो तो आर्क वोल्टेज इज हाई, आर्क वोल्टेज हाई मतलब आर्क लेंथ इज हाई, रियल पुअर पेनिट्रेशन, और पुअर पेनिट्रेशन देखने को हमको मिलता है। द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट कैन बी सेवरल टाइम्स द इलेक्ट्रोड डायमीटर, इस पर्टिकुलर केस में ड्रॉपलेट का जो मिलेगा वो सेवरल डायमीटर टाइम्स द इलेक्ट्रो डायमीटर से बड़ा मिलेगा आपको ड्रॉपलेट, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर ट्रांसफर। तो यहाँ पर ग्लोबुलर ट्रांसफर होता है, और ये जो ग्लोबुलर ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्मॉल एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो इसमें है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो बात इंपॉर्टेंट है। तो आपका हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसफर मैकेनिज्म, तो इन मेटालिक आर्क वेल्डिंग द ट्रांसफर ऑफ मेटल फ्रॉम सरफेस टेंशन एंड अट्रैक्शन या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर द मेटालिक आर्क वेल्डिंग द ट्रांसफर ऑफ मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोड, ट्रांसफर ऑफ मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोड इज ड्यू टू, तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से अगर मॉलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आपको कोहेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, कोहेशन इज मोर देन एडहेशन, क्योंकि यहाँ पर कोहेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और कोहेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा तो वो जो लाइक मॉलिक्यूल्स जो है वो सब एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। लेकिन यदि ये अट्रैक्शन मॉलिकुलर अट्रैक्शन जो इसका है, ये मॉलिकुलर अट्रैक्शन अगर इसके सरफेस टेंशन से एक्सीड करता है तो ये ड्रॉप के फॉर्म में आपका नीचे गिरेगा। तो ड्यू टू मॉलिकुलर अट्रैक्शन एंड सरफेस टेंशन के वजह से वो डिटैच होता है। अब डिटैच जब हो गया, डिटैच होने के बाद जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ग्रेविटी फोर्स इज मोर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपेरिजन में ग्रेविटी फोर्स यहाँ ज़्यादा देखने को हमको मिलता है। तो फिलहाल तो इसका ऑप्शन या तो वो होगा ग्रेविटी मोड, और या तो ये दोनों होगा जो भी डिस्कस किए हम लोग। तो पहले यहाँ डिटैच करने बोल रहा है इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड से डिटैच करने के लिए बोल रहा है, तो इलेक्ट्रोड से डिटैच जो होता है वो ड्यू टू मॉलिकुलर अट्रैक्शन एंड सरफेस टेंशन के वजह से, मतलब ए और बी ऑप्शन दोनों इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक द वेल्ड पुट इज सराउंडेड बाय इनर्ट गैस, तो मिग वेल्डिंग में अभी डिस्कस किए थे हम लोग, मिग वेल्डिंग में मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो सराउंडेड बाय शील्डिंग गैस, आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स यूज़ करते हैं, कार्बन आर्क वेल्डिंग में भी फ्लक्स यूज़ करते हैं, मतलब कि कार्बन कोटेड इलेक्ट्रोड रहता है आपका। नेक्स्ट है हम लोग सबमर्ज आर्क वेल्डिंग देखे थे, तो वहाँ पर फ्लक्स देखे थे, फ्लक्स ऊपर रहता था, आर्क जो था पूरी तरह सबमर्ज था। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में भी फ्लक्स यूज़ करते हैं, गैस किस में यूज़ करते हैं, तो मेटल इनर्ट गैस में, मेटल इनर्ट गैस में लोग शील्डिंग गैस यूज़ करते हैं, और शील्डिंग गैस जो होता है वो आपका आइदर ऑर्गन हीलियम या फिर कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कब यूज़ करते हैं, जब पेनिट्रेशन हमको ज़्यादा चाहिए तब केस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। फिलहाल उसका क्वेश्चन आएगा देखेंगे। नेक्स्ट है द स्ट्राइकिंग वोल्टेज एज कम्पेयर टू वोल्टेज ड्यूरिंग द वेल्डिंग, स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, स्ट्राइकिंग वोल्टेज मतलब इन आप समझ लीजिए वैसा वोल्टेज जो ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज से आप कंपेयर कीजिएगा तो स्ट्राइकिंग वोल्टेज है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कोई
करेंट सोर्स है, करेंट सोर्स है ये, यहाँ पर जो भी वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज यहाँ पर है, ये वोल्टेज मान लीजिए 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है। आगे बढ़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोड यहाँ पर आर्क डेवलप करेगा, ये आपका वर्क पीस है। आर्क जो डेवलप किया, जितना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ, जितना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क वोल्टेज, या आर्क वोल्टेज बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसको आर्क वोल्टेज, या फिर हम बोलते हैं वोल्टेज ड्यूरिंग द वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान जो वोल्टेज है सो। तो ये जो चीज़ है, जितना ड्रॉप होगा, टोटल 50 वोल्ट था, इसमें से 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो यहाँ का जो वोल्टेज है, आर्क वोल्टेज जिसको कहते हैं, या फिर कहते हैं वोल्टेज ड्यूरिंग द वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान जो वोल्टेज है सो, वो है 10, और जो ये वोल्टेज दे रहा है, ये वोल्टेज है आपका 50, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग वोल्टेज, इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग वोल्टेज, और इसको बोलते हैं हम लोग आर्क वोल्टेज। तो यहाँ पर जो स्ट्राइकिंग वोल्टेज एज कम्पेयर टू द वोल्टेज ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑफ आर्क इज मोर, स्ट्राइकिंग वोल्टेज जो है 50, ये ज़्यादा होता है, यहाँ पर 10। नेक्स्ट है, इन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर वेल्डिंग कार्बन स्टील, कार्बन स्टील को वेल्ड करना है। कार्बन स्टील, तो हर एक इस तरह के स्टील, स्टील आप देखिए तो स्टील में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टील में आपको देखने को मिलेगा कार्बन तो रहता है, लेकिन कार्बन रहता है हर एक स्टील में, आपको कार्बन देखने को मिलेगा, कार्बन कुछ परसेंटेज किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। तो कार्बन, हमको कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए इन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज करना पड़ेगा, नेक्स्ट है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं, और जब कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, वैसे तो हम बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे तो हम उसको बोलेंगे मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड कब यूज़ करते हैं, इट इज़ ओनली एक्टिव गैस यूज फॉर शील्डिंग ऑफ मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओनली एक्टिव गैस है जो कि शील्डिंग ऑफ मेटल के लिए यूज़ होता है। आर्क वेल्डिंग ऑफ कार्बन एंड लो एलॉय स्टील कब यूज़ करते हैं, आर्क वेल्डिंग ऑफ कार्बन एंड लो एलॉय स्टील के केस में इसको यूज़ करते हैं, कार्बन एंड लो एलॉय स्टील के केस में इसको यूज़ करते हैं। हायर वेल्डिंग स्पीड और ग्रेटर ज्वाइंट पेनिट्रेशन, जब इसको यूज़ करते हैं तो वेल्डिंग स्पीड हमको ज़्यादा रखना होगा, ज़्यादा वेल्डिंग स्पीड रखेंगे, हायर वेल्डिंग स्पीड रखेंगे, तो हायर वेल्डिंग स्पीड हम तभी रखते हैं जब करेंट ज़्यादा फ्लो होता है, करेंट ज़्यादा फ्लो होता है दैट मीन्स पेनिट्रेशन आपका ज़्यादा होगा। मेटल ट्रांसफर मोड इज आइदर शॉर्ट सर्किटिंग मोड या ग्लोबुलर ट्रांसफर मोड, मेटल ट्रांसफर जो इसमें होता है वो शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है या ग्लोबल हो सकता है। शॉर्ट सर्किटिंग ट्रांसफर उसको कहते हैं जिसमें मेटल का टिप है, अगर स्मॉल करंट जा रहा है, स्मॉल करंट जा रहा है तो मेटल जो इलेक्ट्रोड का टिप है वो वर्क पीस से जाकर चिपक जाएगा, और जब चिपक जाएगा तो कोई भी मेटल का ट्रांसफर नहीं होगा क्रॉस द आर्क, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग मोड। और दूसरा होता है ग्लोबुलर मोड, ग्लोबुलर मोड क्या होता है वो तो हम पढ़ चुके हैं, जब कभी भी आपका सरफेस टेंशन एक मॉलिक्यूलर वेट जो है वो एक्सीड फ्रॉम द सरफेस टेंशन, तब वो डिटैच होगा फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा कब होता है देखने को मिलता है, वो भी कम लो करंट में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, टू रिड्यूस स्पैटर इन कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग द वेल्डिंग पैरामीटर आर सच दैट इट प्रोड्यूस ए शॉर्ट आर्क विथ ए टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एक्चुअली बिलो द सर्फेस ऑफ द वर्क, सरफेस बिलो द सरफेस ऑफ वर्क से अगर टिप नीचे रख देंगे तो स्पैटर कम हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर देखना ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन अलॉय के लिए या लो अलॉय स्टील के लिए, कार्बन एंड लो अलॉय स्टील के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। यूज फॉर वेल्डिंग कार्बन स्टील, कार्बन स्टील के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इट इज एक्सीलेंट पेनिट्रेशन एट हाई स्पीड। नेक्स्ट, फिलर मेटल इज यूज इन, फिलर मेटल जो यूज़ करते हैं वो किस में यूज़ करते हैं, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कहीं भी फिलर मेटल यूज़ नहीं करते हैं, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो इलेक्ट्रिक स्पॉट वेल्डिंग भी है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग जो है उसको भी हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, और कंटिन्यूस वेल्डिंग मतलब सीम वेल्डिंग का ही एक नाम है, कंटिन्यूस वेल्डिंग भी है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कहीं एक वेरियंट है। तो हम कह सकते हैं कि फिलर मेटल जो है वो हम
किसी के लिए यूज इसमें से नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द आर्क लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस, के बीच जो होता है वो आर्क लेंथ कहते हैं हम लोग। ये वर्क पीस है, इलेक्ट्रोड टिप है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्क पीस के बीच, बॉटम वोटम कुछ नहीं, वर्क पीस के बीच। नेक्स्ट, थर्माइट वेल्डिंग इज द फॉर्म ऑफ, थर्माइट वेल्डिंग जो है वो किस फॉर्म के अंतर्गत आता है? तो थर्माइट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग होगा नहीं, गैस वेल्डिंग होगा नहीं, फोर्स वेल्डिंग होगा नहीं, बच गया आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में नहीं थी, फ्यूजन वेल्डिंग, फ्यूज हो जाता है उसमें, मेटल फ्यूज हो जाता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की वजह से मेटल हॉट होता है, हॉट होकर मेल्ट होता है, वो आपस में फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी सुटेबली वेल्डेड बाई टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग से हम लोग किसको किसको कर सकते हैं? तो एल्यूमिनियम भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम भी कर सकते हैं, स्टील भी कर सकते हैं। अगर तीनों कर सकते हैं तो डी, टाइटेनियम भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। इन मिग वेल्डिंग हीलियम एंड ऑर्गन, ए ऑर्गन को एक करो यहाँ, हीलियम एंड ऑर्गन इज यूज ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, काहे के लिए यूज करते हैं हीलियम ऑर्गन? सीलिंग के लिए। वेल्ड स्पैटर क्या होता है? स्पैटर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम वेल्डिंग डिफेक्ट बोलते हैं।